दर्शन, जिसके पास में ये नवधा भक्तियां नहीं है, केवल धन है, तो वो व्यक्ति संसार का सबसे बड़ा दरिद्री कहा गया है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। और जिसके पास में धन नहीं है और नवधा भक्ति है, तो वो दुनिया का सबसे बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति कहा गया है। और जिसके पास में दोनों है, धन भी है और नवधा भक्ति भी है, वो व्यक्ति संसार में बिरला कहा गया है, वो व्यक्ति भक्त कहा गया है, क्योंकि भक्त के पास में ये सारी चीजें उपलब्ध होती है। बाबा कबीरदास जी ने इस बात में कुछ अलग ही कह दिया। बाबा जी कहते हैं, पापी के भी हो सूत दाना लक्ष्मी, पापी के भी हो सत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ हो, ओ भक्ता जग में दुर्लभ हो, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सूत द्वारा लक्ष्मी पापी के भी हुए, संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ हुए। दुर्लभ अगर संसार में कोई चीज है तो वो है संतों का समागम, संतों का दर्शन, कथा कीर्तन का श्रवण और दान। संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ। संसार में हर चीज को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन सत्संग को और परमात्मा के संग को, संतों के संग को प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है। आप सभी उमरेठवासी बहुत ही भाग्यवान हैं, जो आपको प्रति वर्ष खंडेलवाल जी जजमान के द्वारा यहाँ पर प्रति वर्ष इस सुंदर प्रांगण में, महावीर के प्रांगण में कथाओं का आयोजन किया जाता है, और वे स्वयं भी इसका लाभ उठाते हैं और आप सभी को भी इसका लाभ प्रदान करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। सभी मंदिर के समिति के सदस्य और मुख्य यजमान सभी के सहयोग से उमरेठ वासियों को ये सुंदर अवसर प्राप्त होता है और सभी की झोलियों में पुण्य जाता है। पुण्य को लुटाना, पुण्यों का न्योछावर करना बहुत ही सौभाग्य की बात कही गई है। जो लोग अपने धन का सदुपयोग करते हैं, उनके यहाँ हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। जो लोग हमेशा भगवान नारायण के नाम का संकीर्तन करते रहते हैं, उनके यहाँ माता लक्ष्मी की कृपा और अन्नपूर्णा की कृपा हमेशा बरसती रहती है। सत्संग के बहुत फायदे हैं। कहते हैं कि सत्संग हमेशा दिल से सुनना चाहिए। आज ब्रज में जब परमात्मा ने गोवर्धन पर्वत को उठाया और ज्ञान का सत्संग सुनाया, 7 दिन तक मेरे ठाकुर जी ने उस पर्वत को अपनी उंगली पर उठा करके रखा, और 7 दिन तक इंद्र ने अपने घमंड में इतना पानी बरसाया पूरे गांव में बाढ़ आ गई। लेकिन जो लोग उस गिरिराज जी की शरण में थे, उनको जरा सा भी धक्का नहीं लगा। कहते हैं कि जो भगवान के भक्ति के रंग में रंग जाता है, भगवान के सानिध्य को पा लेता है, फिर काल उसका कुछ नहीं कर सकता। काल उससे कोसों दूर रहता है, काल उसको स्पर्श नहीं कर सकता, मृत्यु उसके समीप नहीं आ सकता।
और परमात्मा ने 7 दिन तक उस पर्वत को उठा करके पूरे ब्रजवासियों की रक्षा की। इंद्र का सारा भवन चूर चूर हो गया, नष्ट हो गया और इंद्र नतमस्तक होकर के क्षमा मांगने लगा ठाकुर जी से। ये तो साक्षात परब्रह्म का अवतार है। परमात्मा ने अपने इस रूप में दावाग्नि का पान किया है, ब्रह्मा जी के घमंड को भी चूर चूर किया है, इंद्र के घमंड का मान मर्दन किया है, कालिया नाग के घमंड का मान मर्दन किया है, उसके फण पर नृत्य किया है, दामोदर लीला की है, कई प्रकार की लीलाएं करके ठाकुर जी के अनगिनत नामों का सत्संग आज पूरा संसार कर रहा है। मेरे हरि के हजार नाम, हरि धरा नाम छे हजार, किस नाम से मैं तुझे पुकारता, भक्त कहते हैं। इस संसार में अगर आपको सत्संग मिल रहा है, इस संसार में अगर आपको भक्ति मिल रही है, तो ये आपके पूर्व जन्म का पुण्य फल है। जबरदस्ती सत्संग में आकर के बैठोगे तो न सत्संग समझ में आएगा और न परमात्मा का अंश समझ में आएगा, केवल समय की बर्बादी। लेकिन जो दिल से सत्संग में आकर के बैठते हैं और सत्संग को सुनते हैं, उन्हीं को पूरा भागवत समझ में आता है। बोली सच्चिदानंद भगवान। सत्संग की बड़ी महिमा गाई है शास्त्र में। परमात्मा ने पूरे ब्रजवासियों के साथ में सत्संग किया 7 दिन तक मुसीबत की घड़ी में, ताकि ब्रजवासी घबराए नहीं और सभी ब्रजवासियों ने परमात्मा को 56 भोग का प्रसाद प्रस्तुत किया और मेरे ठाकुर जी ने सबको वरदान दिया फलीभूत रहने का। भगवान कहते हैं जो मुझे भोजन करा के भोजन करता है, जो सबसे पहले अपनी प्यारी चीज मुझे अर्पण करता है, मैं उसे कभी भी भूखा नहीं रहने देता। वैसे तो परमात्मा को जो पूजता है या नहीं पूजता है, तो भगवान तो सभी के ऊपर एक ऐसी कृपा रखते हैं, क्योंकि वो करुणा का सागर है, वो दया का सागर है। कोई उसे पूजे या ना पूजे, लेकिन वो सबका पेट भरता है, सबको कुछ ना कुछ देता है। वो ये नहीं सोचता कि ये मेरे आगे नतमस्तक नहीं हो रहा, ये मेरी पूजा नहीं कर रहा, तो मैं इसे क्यों भोजन प्रदान करूं? नहीं, वो तो करुणा नहीं है, दया नहीं है, वात्सल्य से भरे हैं। माताओं में और परमात्मा में दोनों में ही केवल वात्सल्य है, बाकी और किसी में वात्सल्य देखा नहीं गया है। आपने देखा होगा जब आप ट्रेन में सफर करने जाते हो, तो माता बहने जो होती है ना, वो पास पास ऐसी चिपक चिपक करके बैठ जाती है, लेकिन पुरुष जो होता है ना, वो कभी चिपक कर नहीं बैठते, वो ऐसे दूर दूर सर के बैठते हैं। वात्सल्य वाली महिलाओं का जो भाव होता है ना, वो समानता वाला होता है। वात्सल्य पुरुषों में नहीं होता, केवल महिलाओं में ही होता है। और भगवान ठाकुर जी तो लीला माधुरी थे, वात्सल्य से ओत प्रोत थे, उनमें हर प्रकार की भावना विद्यमान थी। इसीलिए तो गौ माताएं, ब्रज के संपूर्ण जीव, पूरी सृष्टि भगवान के श्री चरणों का अभिवादन करते थे। बोली सच्चिदानंद भगवान। गोपियां, गोप बालक, ब्रजवासी भगवान से इतना प्रेम करते थे कि अपने घर के सारे बहुमूल्य कार्यों को छोड़ करके केवल भगवान के सामने जाकर के बैठ जाते, ठाकुर जी को निहारते रहते और कहते, ठाकुर तेरी एक बार बंसी की तान सुना दे। और मेरे ठाकुर जी कदम के झाड़ पर बैठ करके, कदम के वृक्ष पर बैठ करके गिरिराज जी की शरण में सुंदर वेणु गीत गाया करते, वेणु नाद सुनाया करते, युगल संगीत सुनाया करते। प्रकृति सृष्टि सब भगवान को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और कहते हैं, मंदिर में रहते हो भगवान, मंदिर में रहते
किसी एक चीज को अपनाओ, जीवन में उतारो, तभी तो मानव जीवन का कल्याण होगा। क्योंकि 84 लाख योनि को भोगने के बाद में ये सुंदर तन, ये मानव देह हमको मिला है। ये यूं ही नष्ट न हो जाए, यूं ही काम उपभोग में बर्बाद न हो जाए, इसलिए इसका सदुपयोग करो। तीन प्रकार से लोग सत्संग में आते हैं। एक होते हैं सच्चे श्रोता, दूसरे होते हैं सरोता, और तीसरे होते हैं सोता। जो सच्चे श्रोता होते हैं वो हर परिस्थिति में शुरू से लेकर आखिरी तक टिके रहते हैं, बने रहते हैं, ध्यान से सुनते हैं। और दूसरे जो होते हैं वो कथा में आकर के भी 50 ग्राम की लीलाबाई चलती रहती है। क्योंकि आज तेरे घर में से बड़ी आवाजें आ रही थी, कुछ गड़बड़ हुई क्या, सास बहू में कुछ हो गया क्या, और कथा में आकर के भी उनकी घर की राम कथा चलती रहती है। वो कथाकार बेचारे गला सुखा सुखा करके, चिल्ला चिल्ला करके एक एक चीज समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सब अपनी लीलाबाई की लीला करते रहते बीच में बैठे रहते। और तीसरे होते हैं सोता। अब जिनको घर में बड़ी परेशानी रहती है तो कहते हैं सत्संग में बड़ा अच्छा आनंद आता है, कौन देखता है पीछे, तो आराम से सोते रहते हैं। क्यों जी आप सत्संग में सो रहे थे? नहीं नहीं, किसने कहा हम सो रहे थे? अरे हमें तो ध्यान लग रहा था दीदी जी की बातें सुन करके, हम सो थोड़ी रहे थे, हम तो यूं ही आंख बंद करके मनन कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। अब सत्संग चाहे किसी भी परिस्थिति में सुनो, फायदा जरूर होता है। एक बहुत बड़े सेठ जी थे, उनके 5 बेटे थे। सबसे छोटा बेटा बहुत ही शरारती था, बहुत ही नटखट था। स्कूल में जाता तो शरारते करता, टीचर की एक दूसरे से चोटियां बांध आता, टीचरों की भी खोड़ियां करता, नटखटपने करता, कुछ न कुछ हरकतें वो करता रहता। पूरा स्कूल उससे परेशान, पूरा घर उससे परेशान। हर कोई आ जाता और सेठ जी से आकर शिकायत करता, इसे तो आप हॉस्टल में दाखिल कर दो, अगर हॉस्टल में भी दाखिल करोगे तो हॉस्टल वाले भी इसे ज्यादा दिन रखेंगे नहीं, इतना शैतान है आपका बच्चा। तो बच्चे से एक दिन पूछा गया, बोले बेटा आपको कौन से कार्य में आनंद मिलता है? तो बच्चे ने कहा पिताजी मुझे तो पक्षी उड़ाने में आनंद मिलता है। तो बोले फिर पक्षी उड़ाने का काम करेगा? बोले हाँ। अब सेठ जी का तो खेती बाड़ी भी अच्छा है, चने की फसल लगा कर रखी है, सोयाबीन लगाया है, पक्षी बड़े परेशान करते हैं। बच्चे ने कह दिया मुझे पक्षी उड़ाने का काम बहुत अच्छा लगता है, बाजार से गुलेल खरीद कर ला करके दे दी। बोले अपने खेत में जितने भी पक्षी परेशान करें तो इस गुलेल से उड़ाएगा? बोले हाँ पिताजी, मैं सारे पक्षियों को उड़ाऊंगा, अपने खेत की रक्षा करूंगा, लेकिन मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, स्कूल नहीं जाऊंगा। ठीक है, उस दिन से उसकी ड्यूटी लगा दी खेत में। अब नाम है उस बच्चे का विवेक। अब वो बच्चा रोज खेत में जो है पक्षी उड़ा रहा है गुलेल से, ऐसी दिनचर्या उसकी चालू हो गई। अब एक दिन घूमते फिरते बाबा जी आए, बाबा जी ने कहा अलख निरंजन बालक लाओ एक गिलास जल पिलाओ बच्चा। तो उस बच्चे ने तुरंत साधु बाबा को जवाब दिया, क्या आपके हाथ ना है, दिखता ना है आपको, कुआ है सामने, बाल्टी पड़ी है, गिलास है, कुएं में बाल्टी डालो और पानी अपने हाथ से पी लो, मैं नहीं पिलाने वाला आपको पानी। साधु महाराज तो बाप इतनी सी जान और इतने बड़े बड़े तेवर, लेकिन इतने भयंकर तेवर है तो जरूर कुछ ना कुछ कर दिखाएगा। क्योंकि दुनिया में अगर किसी ने कुछ कर दिखाया है तो वो जीत ही रहा है, जितने इंसान ही दुनिया में कुछ ना कुछ करके दिखाता है। अब अच्छे काम की जिद हो तो ठीक है, उल्टे सीधे काम की जिद कौन पूरी करेगा? अब ये तो संस्कारहीन है, लेकिन इसी की जो ऊर्जा है वो प्रबल है, इसको कुछ ना कुछ अच्छा देना चाहिए। साधु महाराज ने कहा, साधु बाबा ने कहा मैं तुझे एक मंत्र दूंगा बेटा, उससे तेरा जीवन आगामी जीवन खुशियों से भर जाएगा। तो बोले नाना मैं अभी बहुत छोटा बच्चा हूँ, मुझे मंत्र मंत्र की कोई जरूरत ना है, पानी पियो रास्ता ना को। लेकिन जो संत लोग होते हैं वो अगर किसी के यहाँ का आधा घूट पानी भी पी ले, आधी रोटी भी खा ले, तो उसको बदले में जब तक कुछ ना दे दे उनके मन को शांति नहीं मिलती। बाबा ने कहा अच्छा फिर कब मंत्र लेगा?
तेरे फायदे की बात है बच्चा। बोले जरा मैं हस्त पुष्ट हो जाऊं, जवान हो जाऊं, समझदार हो जाऊं, उसके बाद। अब वो 5 बरस का बच्चा 18 बरस का हो गया। महाराज जी फिर घूम कर आए, अनाथ निरंजन विवेक बाबू क्या बात है, गबरू जवान हो गए तुम तो, अब मंत्र दे दो, अब तो बहुत अच्छा दिख रहा है, समझदार भी हो गया है। हाँ बाबा जी प्रणाम, बहुत समझदार हो गया हूँ, आइए आइए, पानी पीना है ना, लीजिए पानी पी लीजिए, पहले बाद में बात करेंगे। उत्तंडता अभी भी जैसी की वैसी है, अपने हाथ से उसने बाबा जी को आज भी पानी नहीं पिलाया। कहने लगा कुआ सामने है, बाल्टी रखी, ग्लास रखा है, पानी खींच लो, पी लो अपने हाथ से, अब मंत्र दे दो। बोले ना अभी तेरा जवानी का आनंद लूटने दो, शादी वादी हो जाने दो, घर बस जाने दो, पत्नी आ जाएगी तो दोनों साथ में मिलकर के मंत्र लेंगे, फिर चकाचक ग्रस्त आश्रम करेंगे और क्या। ठीक है भैया, लौट लौट। कुछ समय के बाद लौटे तो विवाह हो गया, ग्रस्त आश्रम में पहुंच गए विवेक बाबू। महाराज जी पी रहे, अनाथ निरंजन क्या बात है विवेक भैया, अब तो शादी भी हो गई, गृहस्थी बन गए हो, आप मंत्र ले लो ताकि आने वाली संतान भक्त प्रताप बने, ध्रुव बने। नहीं नहीं भाई, अभी अभी तो शादी की है, थोड़ा ग्रस्त आश्रम का आनंद लूटने दो, है? अभी से मंत्र ले लूंगा तो पत्नी कहेगी कि मैं अभी से वानप्रस्थ की ओर जा रहा हूँ। ना ना ना, थोड़े बाल बच्चे हो जाने दो, जिम्मेदारियां खत्म हो जाने दो, उसके बाद मैं मंत्र लूंगा। ऐसा करते करते बालक भी हो गए, बेटियां भी हो गई, बच्चों के विवाह भी हो गए, सारी जिम्मेदारियां हो गई, नाती भी जन्म लेकर के आ गए, पोते भी हो गए। फिर एक दिन बाबा जी आए, अनाथ निरंजन विवेक बाबू कहाँ हो, एक पर कोई दिखाई नहीं दिया, सीधे उनके घर का पता पूछते पूछते घर पहुंच गए। घर के बाहर जाकर के आवाज लगाई, अनाथ निरंजन विक्षाम देवी। तो एक नन्हा सा पोता विवेक बाबू का दौड़ते दौड़ते आया, बाबा जी को चरण स्पर्श करके प्रणाम किया और कहा लीजिए बाबा ये भिक्षा ग्रहण कीजिए। बाबा ने पूछा भैया तुम कौन हो, तो बोले जिसका नाम आप पुकार रहे हो ना, मैं उनका पोता हूँ। वो कहाँ गए, तो कहने लगा वो तो इस दुनिया से चले गए। कब गए, बोले 1 महीना हो गया। अरे कहाँ है उनकी तस्वीर, तो बोले वो लगी हुई घर के अंदर, थोड़ा सा एक पैरी चढ़े देखा तो एक बड़ी सी फ्रेम के अंदर फोटो लगी विवेक बाबू की और उसमें बढ़िया मुस्कुरा रही हूँ और नीचे लिखा है स्वर्गवासी। तो अब बाबा जी सोच रहे हैं कि ये जब 5 साल का था तो इसका पूरा बचपन मैंने देखा, इसकी जवानी पूरी मैंने देखी, इसका पूरा जीवन मैंने देखा, लेकिन इसने एक भी क्षण, एक भी पल, एक भी मिनट परमात्मा के नाम का चिंतन भजन मनन नहीं किया, तो फिर ये स्वर्ग में कैसे जा सकता है। जरा देखो तो सही, ये गया कहाँ है। तो दोनों आंखें बंद की बाबा जी ने देखा, अरे 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 बहुत ही बुरा हुआ। क्या बुरा हुआ जानते हो, अब दिन रात बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापे तक खेत में ही पूरी जिंदगी बिताई, तो मरते समय भी उसका पूरा चित्त खेत में अटका हुआ था, तो अपने ही खेत में बैल बन करके आया है, कोल्हू का बैल बन गया है और हल जोत रहा है। बोली राधा रानी सरकार। अब जब वहां भी किसी काम का नहीं रहा, अपने खेत में हल जोतते जोतते जब बुढ़ा हो गया, थक गया, तो उसे तेल के घाने पर बेच दिया गया। वो तेल का घाना होता था ना पुराने जमाने में, वो एक बैल चलता था और बीच में तेल निकलता रहता था, तो उस प्रकार से तेल के घाने पर भी जब वो किसी काम का नहीं रहा, वहां भी उसका शरीर जब थक गया, जर्जर हो गया, तो वहां से उसको कसाई के यहाँ बेच दिया गया और कसाई ने उसके चमड़े को अलग कर लिया, जो ढोल ताशा बनाने वाले लोग हैं उनको बेच दिया और ढोल बनाने वाले ने एक मस्त ढोल तैयार किया, हाथ में 2 हरी हरी जबरदस्त सोटियां उठाई और देख दनादन मार। Thank you.
सोटियां पड़ रही है चमड़े पर, बड़ी बड़ी सोटियां। अब ध्यान से सुनिएगा ममता दीदी की बात। चाहे लाख करो चतुराई, लेकिन कर्म का लेख मिटने वाला नहीं मेरे भाई। 84 लाख योनियों को भोगने के बाद ये मानव तन मिला है, इसका आज अगर सही इस्तेमाल नहीं किया तो मरने के बाद भी सोटियां खाली पड़ सकती है, इसलिए सावधान। अब मरने के बाद की शरीर पर सोटियां पड़े तो वो जीवन किस काम का? मनुष्य के शरीर की केवल 3 तगारी राख बनेगी और दूसरा कुछ नहीं होने वाला, और ऐसी भयंकर राख होती है वो कि बर्तन मांजने के काम में भी ना आती है। हम तो कहते हैं कि जानवर का चमड़ा एक बार काम में लिया जा सकता है, लेकिन इंसान का चमड़ा किसी काम का नहीं है, इसलिए इस चमड़ी का इस्तेमाल बहुत सोच समझ करके आज अगर आपने कर लिया तो आगामी जीवन आपका सुधर जाएगा, नरक व्याधियों से बच जाओगे और मानव जीवन सफल हो जाएगा। आज सारे ब्रजवासी अपने जीवन का उद्धार कर रहे हैं, ठाकुर जी की शरणागति को स्वीकार कर रहे हैं और परमात्मा के लिए दिन नहीं रात नहीं सब कुछ भुला दिया और केवल लीला माधुरी के साथ में लीला करने के लिए वेणु गीत गा रहे हैं, युगल गीत गा रहे हैं। एक गोपी परमात्मा से आकर के कहती है कि हे रसिया, हे मोहन, हे दामोदर, हे गोपाल, हे वत्सपाल, हे गिरधर, आप हमारे कार्य के समय बांसुरी ना बजाया करो। जब हम घर का काम करती हैं तब आप बंसी मत बजाया करो, क्योंकि जब जब आप बंसी बजाते हो तो बहता हुआ जल थम जाता है, हमारे घर की चूल्हे की लकड़ियां गीली हो जाती है, हर चीज रसमय हो जाती है। इसीलिए हे ठाकुर जी, हरे चरणों में हम कोटि कोटि प्रार्थना कर रहे हैं, तू दिन के समय बांसुरी ना बजाया कर, रात में बजाया कर, क्योंकि रात में हम सब अपने अपने काम से निवृत्त हो जाती हैं और तेरे शरण में आकर के पूरा समय तुझी को समर्पित कर देते। तो आज परमात्मा लीला निकुंज में प्रवेश कर रहे हैं और लीला निकुंज में आज परमात्मा की मुलाकात श्री राधा जी से होती है। राधा जी केवल यहीं पर परमात्मा से मिली है, पूरी भागवत में कहीं पर भी राधा जी का नाम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो पर्दे के पीछे के खिलाड़ी होते हैं ना, वो कभी भी नाम के प्यासे नहीं होते, वो केवल अपने ध्यास के प्यासे होते हैं। और राधा जी भगवान कृष्ण की भक्ति की वो धारा है जो केवल भक्तों के हृदय में प्राप्त होती है। राधा जी ने अपने प्रेम से, अपने त्याग से, अपने सुंदर कर्मों से भगवान को बांध लिया है, और जब भगवान को एक बार बांध लेता है तो फिर भगवान उसके वशीभूत हो जाते हैं, फिर भक्त जैसा चाहता है भगवान को वैसे ही करना पड़ता है। इसीलिए तो किसी ने कहा, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगवान भगत के वश में है भगवान।
कुंज में परमात्मा भक्तों के वशीभूत हो रहे हैं, गोपियों की भक्ति के वशीभूत हो रहे हैं और गोपियां परमात्मा से कह रही हैं कि हे कन्हैया आप दिन में बंसी न बजाया करो। परमात्मा ने कहा कारण तो बताओ दिन में क्यों ना बजाऊं। तो एक गोपी ने कहा जानते हो कैसे, कल मेरे यहाँ कुछ मेहमान आए और मेरी सास ने मुझे कहा, बोले बहू रानी मेहमानों के लिए थोड़ा सा आम का मुरब्बा ले आओ, अभी अभी ताजा ताजा डाला है, मेहमानों को अच्छा लगेगा, खट्टा मीठा है, अच्छा लगेगा भोजन करते समय। तो मुरब्बे की बर्नी जैसे निकालने गई वैसे ही तेरी बंसी बज गई रे श्याम सुंदर, और जैसे ही तेरी वेणु बजी मेरे कानों तक पहुंची और इधर मेरे लाला ने रोना शुरू कर दिया, मेरे छोटे से बच्चे ने रोना शुरू कर दिया, तो क्या बताऊं मेरे मन का तो धीर ही जैसे खो गया।